अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है डेफिनेट इंटेग्रल एंड रीमान सम। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें कि नेक्स्ट जो भी वीडियो इस चैनल से अपलोड की जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो ये स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम बात करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल की। तो डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन करने से पहले, हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल पढ़ा था लास्ट, इनडेफिनेट इंटेग्रल जो है वो क्या होता है। देखो स्टूडेंट, हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, यानी कि इस तरह से कि हम हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा गिवन होता था जिसकी डेरिवेटिव जो वो पहले से गिवन होती थी, ठीक है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन करते थे तो हमारे पास वो फंक्शन आ जाता था। यानी कि ये हमारे पास कोई भी फंक्शन होता था एफ डैश ऑफ एक्स, जब हम उसकी इंटीग्रेशन करते थे तो हमारे पास क्या आंसर आता था, एफ ऑफ एक्स और सामने हम सी लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास इंटेग्रल होते थे हम इसको बोलते थे इनडेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। कि इसमें हमारे पास क्या होता था कि हमने एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना होता था जिसका हमारे डेरिवेटिव पहले से गिवन होता था, कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता था जिसका डेरिवेटिव पहले से गिवन हो, हम उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते थे तो हमारे पास वो फंक्शन आ जाता था, साथ में हम सी लगा देते थे। सी क्यों लगा देते थे, कि जब हम अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरह के इंटेग्रल गिवन हो, यानी कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल है यहां पे लिमिट आ जाए इस तरह से, ठीक है, यही इंटेग्रल और यहां पे इंटेग्रल के ऊपर क्या आ जाए, लिमिट आ जाए, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास इंटेग्रल होते हैं स्टूडेंट, हम इस तरह के इंटेग्रल को बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। अगर तो सिंपल इंटेग्रल आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनडेफिनेट इंटेग्रल। और अगर इंटेग्रल की लिमिट हमारे पास आ रही है तो फिर हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट इंटेग्रल, लिमिट आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम डेफिनेट इंटेग्रल की बात करते हैं जिसमें हमारे पास लिमिट गिवन होती है स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास आंसर आता है बेसिकली वो हमारे पास क्या देता है, एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जब हम इनडेफिनेट इंटेग्रल की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आता है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास पहले से गिवन होता है और साथ में हम सी लगाते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटेग्रल के हम साथ में सी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमें एक एरिया देता है। एरिया क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एक कर्व के नीचे जो एरिया होता है डेफिनेट इंटेग्रल हमें वो देता है, इसलिए हम यहाँ पे सी नहीं लगाते, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल डेफिनेशन यही लिखी हुई है जो मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया है, कि अगर हमारे पास इंटेग्रल में क्या आ रहा है, लिमिट आ रही हो, तो फिर हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल। यहाँ पे एक और बात बताता हूँ बेटा, ये स्टूडेंट ये जो हमारे पास लिमिट होती है, यानी कि ये ए और ये जो बी है हमारे पास, यानी कि ये एक्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू ही होती है, हम एक एक्स वन कह देते हैं, हमारे पास एक्स टू कह देते हैं। जो नीचे वाली लिमिट होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू लीजिए की लिमिट इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं। कि इंटीग्रल की जो हमारे पास लिमिट होती है ये हमारे पास एक लोअर होती है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास लोअर लिमिट और ऊपर वाली जो वैल्यू उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसको नोट भी करते हैं, यानी कि एक्स की ये हमारे पास वैल्यूज होती है। अब डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, कहता है डेफिनेट इंटेग्रल इज एन इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल जो हमारे पास एक इंटेग्रल होता है, किस फॉर्म का, इस फॉर्म का हमारे पास इंटेग्रल होता है विद अपर एंड लोअर लिमिट, जिसके हमारे पास अपर और लोअर लिमिट होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में
ये लिखा हुआ है इफ, यहां पे है इफ, इफ एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू लाई ऑन द रियल लाइन देन द इंटेग्रल इज नोन एज रीमान इंटेग्रल। अब यहां पे वो उस कंडीशन कह रहा है कि अगर हमारे पास जो x है, यानी मैंने आपको बताया जो हमारे पास लिमिट है ये किसकी है, यानी इसको हम x के साथ डिनोट करते हैं, कहता अगर ये जो वैल्यूज है हमारे पास उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कहां तक, यानी कि उसको बाउंड कर दिया जाए रियल लाइन के ऊपर ही, ठीक है, x की वैल्यू को हम कहां तक बाउंड करते हैं, रियल लाइन के ऊपर ही बाउंड कर दें, तो फिर ये जो हमारे पास इंटेग्रल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीमान इंटेग्रल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है डेफिनेट इंटेग्रल में अगर हम x के ऊपर एक कंडीशन लगा दें, वो कंडीशन क्या हो कि वो जो x है हमारे पास क्या हो, रियल लाइन के ऊपर हो, तो फिर ये जो इंटेग्रल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस इंटेग्रल को हम बोलेंगे रीमान इंटेग्रल बोलेंगे। आगे सुना हम बात करेंगे रीमान सम की, तो रीमान सम की डेफिनेशन करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम वो देख लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, हम कहते हैं यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे कोई एक पॉइंट है बी। अब मैं कहता हूं जी बताओ इस बी और ए का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये सारी लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर है मेन के, ठीक है। मैं कहता हूं जी बताओ इसका पॉइंट ए से लेकर बी तक जो है वो डिस्टेंस क्या है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल टू होगा सेकंड में से फर्स्ट को हम कर देते हैं माइनस बी माइनस ए, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा डिस्टेंस, यानी यहां से ए से बी तक हमने डिस्टेंस निकालना हो, कोई भी हमारे पास एक लाइन है और वो जो लाइन है उस लाइन के ऊपर कोई भी तो पॉइंट है ए और बी, तो अगर हमने इस ए और बी का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दो, तो हमारे पास उसका क्या रहता है, डिस्टेंस आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं इसकी पार्टीशन, यानी कि इस इंटरवल को सब इंटरवल में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि यहां पर मैं कहता हूं ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम कह देता हूं जी x1, यहां पे एक पॉइंट है इसको मैं कह देता हूं x2, यहां पे एक पॉइंट है इसको मैं कह देता हूं x3, इस तरह यहां पे चलता जाता है जी, तो यहां पे कोई एक पॉइंट यहां पे चलता जा रहा है, यहां पे मैं कहता हूं एक पॉइंट है कोई भी x k माइनस वन, यहां पे एक पॉइंट है कोई x k, ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास अब बी जो है पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं एक्स एन है, और ये जो ए पॉइंट है इसको मैं कहता हूं एक्स नॉट एक्स जीरो है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ए बी जो इंटरवल था मैंने कोई भी इंटरवल लिया था एक लाइन के ऊपर, उसको मैंने सब इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहां पे पॉइंट करना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से एक्स वन तक जो है वो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस पॉइंट करने का मैंने अभी आपको बताया सेकेंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दो, मतलब उसका आ जाता है डिस्टेंस। अब मैंने यहां से ए और एक्स वन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक्स वन का यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालना है, तो ए को मैंने कह दिया एक्स नॉट, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स वन के साथ, वो किसके ऊपर इक्वल होगा, डेल्टा एक्स वन जो है वो इक्वल टू होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट के, इस तरह जो एक्स वन और एक्स टू के दरमियान डिस्टेंस है इसको मैं डिनोट कर देता हूं डेल्टा x2 के साथ, तो इसका जो डिस्टेंस होगा डेल्टा x2 वो हमारे पास क्या होगा जी x2 माइनस x1, इस तरह यहां से x2 से x3 तक निकालना है, इसको मैं कहता हूं ये हमारे पास है जी डेल्टा x3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा x3 किसके इक्वल होगा फिर ये x3 माइनस x2, इस तरह सो ये करते रहेंगे, तो यहां पे मैंने एक्स के माइनस वन और एक्स के का निकालना है, इसको मैं कहता हूं ये हमारे पास है डेल्टा एक्स के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी डेल्टा एक्स के इक्वल टू एक्स के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये इनके जो है वो सब इंटरवल का डिस्टेंस आ जाएगा। अब फ्रेंड इन सब का कोई ना कोई क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, जिस तरह मैंने कहा जी डेल्टा एक्स है वो बी माइनस ए है, डेल्टा एक्स वन जो है एक्स माइनस
एक्स नॉट है, इस तरह से सब इंटरवल का जो है डिस्टेंस निकालो तो हम इस तरह से निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स वन एक्स नॉट कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हम सपोज कर लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डेल्टा एक्स वन जो है ये हमारे पास आ रहा है जी 2 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जी 2.1 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है जी 1.9 आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 3। यहाँ पे इन सबका जो है वो डिस्टेंस हमारे पास सपोज के लिए ये हमारे पास आ रहा है। तो फ्रेंड हमारे पास इन सब इंटरवल का जो डिस्टेंस है इनमें से देखो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस किसका आ रहा है, अगर हम देखें सबसे जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है इसका डेल्टा एक्स के का। तो ये जो जिस पॉइंट का हमारे पास जिस इंटरवल का हमारे पास सबसे बड़ा डिस्टेंस आता है उस इंटरवल को हम कहते हैं नॉर्म ऑफ पी। ठीक है, अगर हमारे पास सब इंटरवल हो और सब इंटरवल का हम क्या करें डिस्टेंस निकाल लें, तो जिस इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हो हम उसको पी बोलते हैं, नॉर्म ऑफ पी, यानी उसको पी के साथ नोट करते हैं और उसको लिखते कहते हैं नॉर्म ऑफ पी। जिस इंटरवल का हमारे पास जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा हो उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं जी नॉर्म ऑफ पी बोलते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस निकला ये हमारे पास क्या निकला नॉर्म ऑफ पी निकला। ये आपने याद रखना है लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंटरवल, कि जिस भी इंटरवल का यानी कि हमारे पास एक इंटरवल था ए बी इसके हमने सब इंटरवल बनाए, जिस सब इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं नॉर्म ऑफ पी के साथ डिनोट करते हैं, हम इसको कहते हैं नॉर्म ऑफ ये पी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट आगे मैं यहां पे एक फंक्शन सपोज करता हूं, मैं कहता हूं लेट वाई y is equal to f of x, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। हमारे पास कोई भी एक f of x एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसके ऊपर ए बी के ऊपर डिफाइन है। मैं यहां पे इस तरह कर लेता हूं, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, यहां पे एक मैंने कर्व ले ली। ठीक है, अब यहां पे मैं कहता हूं ये पॉइंट है हमारे पास ए, यहां पे ये पॉइंट है हमारे पास बी, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है जो के क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, इसको हमने बाउंड कर दिया। अब हमने इसका करना है एरिया फाइंड। ठीक है, इसका हमने क्या करना है एरिया, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका हमने करना है एरिया फाइंड। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कहता है एरिया अंडर द कर्व देता है, ये हमारे पास एक कर्व है और इसके अंदर ये जो बाउंड की हुई है हमने ये भी, इसके अंदर जो एरिया फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल होगा। अब इस तरह की कर्व हमारे पास जब आ जाए तो हम इसका जो एरिया है स्टूडेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इसकी करते हैं पार्टीशन। इसको हम जिस तरह मैंने बताया था कि लाइन हमारे पास ए बी थी उसकी हमने वहां पे क्या थी पार्टीशन की थी सब इंटरवल में कन्वर्ट किया था। तो ये जो इंटरवल स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास होता है गिवन हम उस इंटरवल को सब इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी बनाते हैं रेक्टेंगल्स। जिस तरह यहां पे देखो मैं यहां पे इसको कहता हूं ये हमारे पास है जी एक्स वन, ये हमारे पास एक्स टू, यहां पे जल्दी है यहां पे मैं कहता हूं ये हमारे पास है एक्स के माइनस वन, यहां पे हमारे पास है एक्स के, इसको मैंने ये कह दिए। अब यहां पे ए को कह देता हूं मैं ये एक्स नॉट और इसको मैं कह देता हूं जी एक्स एन। तो हम इस तरह का एरिया फाइंड करने के लिए हम उसके क्या करते हैं हम उसकी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से सब इंटरवल बनाते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल्स बन गए इस तरह से। इस तरह से हम इसकी क्या कर देते हैं जी रेक्टेंगल्स बना लेते हैं इस तरह। ये हम उसकी जो रेक्टेंगल उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हम उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमारे पास है x0, ये हमारे पास है x1। तो अब रेक्टेंगल
एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने क्या करना है, यहां पे हमें चाहिए लेंथ भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए। अब ये हमारे पास है इसकी विड्थ है, ठीक है। अब ये हमारे पास विड्थ क्या है, दो पॉइंट का कितना डिस्टेंस, और अभी मैंने सब इंटरवल में बताया था कि दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स वन, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स टू, इस तरह ये हमारे पास यहां पे ये आ जाएगा, कह लो जी डेल्टा एक्स के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स के आ जाएगा। अब यहां पे इनकी कोई ना कोई क्या होगी, हाइट भी होगी। हम कह देते हैं यहां पे इसकी हाइट जो है, इस पे यहां पे इसकी हाइट जो है वो एफ ऑफ एक्स वन है, इसकी ये इस पॉइंट के ऊपर जो हाइट है वो एफ ऑफ एक्स टू है, इस तरह यहां पे इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है डब्ल्यू क्यू। चलो डब्ल्यू से कर लेते हैं, ये डब्ल्यू वन है, ये हमारे पास डब्ल्यू टू है, इस तरह चलती जाइए। हम कहते हैं ये डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू के इसकी क्या है, हाइट है। तो फिर जब हम यहां पे इसका क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद लेंथ, हमारे पास क्या आएगी, हम कहते हैं ये हमारे पास है डेल्टा, हम इस इंटरवल का निकाल लेते हैं, ठीक है, इस वाली रेक्टेंगल का। तो ये हमारे पास आर ये डेल्टा एक्स के, और इसकी जो लेंथ वो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ डब्ल्यू के, यानी कि आप इसको इस तरह से एफ ऑफ डब्ल्यू के इन टू डेल्टा एक्स के। तो ये मैंने एरिया निकाल लिया इस वाली रेक्टेंगल का। जब भी हमारे पास कोई एक कर्व गिवन होती है तो उस कर्व के अंदर हमारे पास कोई भी एक क्लोज इंटरवल गिवन हो, हम इसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पार्टीशन कर लेते हैं, छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट करके उसकी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और हम क्या करते हैं फिर वहां से रेक्टेंगल का निकालते हैं एरिया, हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये हमारे पास होता है फार्मूला, या मैंने ये डेल्टा एक्स के जिसका डिस्टेंस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो वो हमारे पास आया है एफ ऑफ डब्ल्यू के इंटू डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। इस तरह हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास अलग से एरिया निकलेगा, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, इसके लिए लैदा से, इसके लिए लैदा से, यानी कि हर एक रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या होगा, लैदा से इंटेग्रल निकलेगा, यानी कि एरिया निकलेगा। हम क्या करेंगे, इस होल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इन सब रेक्टेंगल का जो हमारे पास लैदा लैदा से एरिया आएगा सबको कर देंगे एड, और लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से सिग्मा के इज इक्वल टू वन टू एन एफ ओ डब्ल्यू के इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है। अब यहां पे n क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगी, ठीक है। f ऑफ k क्या आ गया, w, w के हमारे पास उस इंटरवल, यानी कि ये इंटरवल हमारे पास था, यहां से मैंने लिया x k माइनस वन से x k, और इसके ऊपर ये रेक्टेंगल जो इसका एरिया मैंने फाइंड किया। तो यहां पे जो w k था इसके दरमियान कोई भी एक नंबर था जो कि हमारे पास रेक्टेंगल क्या थी, हाइट थी, ठीक है। तो W के हमारे पास कोई भी एक नंबर है जिसके हमारे पास उसकी रेक्टेंगल की हाइट आ रही है, और डेल्टा एक्स के क्या है, हमारे पास यहां पे रेक्टेंगल का जो है वो विड्थ है, लेंथ है, ये लेंथ और विड्थ। तो हमारे पास जब हम हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स होंगी, उन रेक्टेंगल का हम अलहदा अलहदा से एरिया फाइंड करेंगे, तो उन सब एरिया को हम क्या करेंगे, जब एड करेंगे तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल या उसका एरिया आ जाएगा। तो उसके एरिया को हम किस तरह से लिखते हैं, हम ये इस तरह से लिखते हैं सिग्मा के इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ डब्ल्यू के इंटू डेल्टा एक्स के। तो ये जो हमारे पास फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का उस रेक्टेंगल का, बेसिकली इसको ही हम बोलते हैं रीमान सम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हो, कहता है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कहता है एफ हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, एंड पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी, और पी हमारे पास कोई भी एक पार्टीशन है ए बी के अंदर, और मैंने बताया था पी हमारे पास क्या होगा, पार्टीशन जो है कि कोई भी हमारे पास एक पार्टीशन है और उसके अंदर जिस पार्टीशन का जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्म ऑफ पी के साथ डिनोट करते हैं।
तो P कहता है हमारे पास कोई भी एक पार्टीशन है। अरिमान सम ऑफ f ऑफ x फॉर P इज एनी एक्सप्रेशन, तो कहता है हमारे पास जो अरिमान सम है इस f ऑफ x का इस P के लिए, इस पार्टीशन के लिए, जिस तरह हमने क्या किया था, ये इस रेक्टेंगल के लिए, इस इंटरवल के लिए ये हमने क्या किया था, इसका एरिया निकाला था, इस तरह कह रहा था। P हमारे पास कोई भी एक पार्टीशन है, हम कहते हैं वो ये पार्टीशन हमारे पास कोई भी सब इंटरवल है। तो कहता है इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए जो एरिया होगा, रिमान सम होगा इस ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में होता है आर ऑफ पी ऑफ द फॉर्म सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ डब्ल्यू के डेल्टा एक्स के, और डब्ल्यू के क्या है, इज इन कोई भी एक नंबर है जो कि एक्स के माइनस एक्स के अंदर है, यानी कि उस इंटरवल के अंदर है। ये सारी जो मैंने आपको स्टूडेंट बताई वो ही यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एफ ऑफ कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, और पी हमारे पास कोई भी एक पार्टीशन है यानी कि सब इंटरवल है, किसका, इस क्लोज इंटरवल का, तो उस पार्टीशन के लिए हमारे पास रिमान सम क्या होगा, हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला, यानी कि हम रिमान सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया जिसको हम बोलते हैं रिमान सम बोलते हैं। स्टूडेंट आगे है लिमिट ऑफ रिमान सम, लेट एफ बी आ डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, कहता है एफ हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, एंड एल बी द रियल नंबर, और एल हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, द स्टेटमेंट लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ डब्ल्यू के इंटू डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू हो एल, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिमान सम। कहते हैं इसका क्या मतलब है, कहता है हमारे पास f कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, और l हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर हो, और ये एक स्टेटमेंट कि जिसमें हमारे पास जब हम लिमिट नॉर्म ऑफ p जो है वो अप्रोच करें जीरो को, तो हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करे, l को, तो हम कहेंगे ये जो l है वो हमारे पास रिमान सम है, कि जब हमारे पास लिमिट जो है वो नॉर्म ऑफ पी अप्रोच करे जीरो को, और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करे, एल को, एल कोई भी हमारे पास एक नंबर होगा, तो हम कहेंगे ये जो एल है वो हमारे पास लिमिट ऑफ रिमान सम है। अब इसमें लेट एफ बी आर डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, एफ हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ का जो डेफिनेट इंटेग्रल है फ्रॉम ए टू बी denoted by a to b f of x dx, तो कहता है हमारे पास कोई भी एक फंक्शन f of x हो और वो क्या है जी, डिफाइन है किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो फिर उस फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल है हम उसको लिखते हैं इस तरह से, इज कहता है डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू होता है लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n f of w k into delta x k, कहता है ये जो स्टेटमेंट ये हमें बताती है कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। मीनिंग ये फार्मूला है आपने याद रखना है कि जब हमारे पास लिमिट जो है यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल इक्वल टू हो इस लिमिट ऑफ रिमान सम के, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है।